दिखाई नहीं दे रहा है। वो कैमरा उड़े वाला कैमरा ला। स्वच्छ और साफ बनाएंगे, जो विश्व में गहराया है जल जीवन हरियाली ही उसको बचा सकता है। नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री जी ने जो संदेश दिया, आज पूरा बिहार उस पर कतार लगा करके महिला पुरुष नौजवान उसके लिए हम लोग यहाँ पे सारे लोग ह्यूमन चेन में खड़े हैं और इनका जो उद्देश्य है जल जीवन हरियाली, शराब मुक्ति, बाल दहेज प्रथा और पे और बाल विवाह से हम हमको जो बाल विवाह का जो हरियाली को लिए क्या संदेश देना चाहेंगे। हाँ बताइए, हरियाली के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे। जल जीवन हरियाली एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, जीवन बीच में है, जल पहले है, जल नहीं रहेगा, हरियाली नहीं रहेगी तो जीवन भी नहीं होना है। ये सारी बातें हम सबके सबके हर बच्चे से लेकर के बूढ़े तक पता चल जाए, जिसके लिए हम लोग आगे तक रहेंगे, हम लोग इसके लिए प्रयास करेंगे।
इसके बिना जीवन नहीं है। और ये जो कदम उठाया गया है हम लोग उसमें हाथ से हाथ मिलाकर उनका इनको इस टारगेट जो दिया गया है हम लोग को उसको अचीव करेंगे। थैंक यू। आयोजित की जा रही है बहुत ही अच्छे नारे और बहुत ही अच्छे संदेश के साथ कि जल जीवन हरियाली, और हम सभी का ये आह्वान होगा, हम सभी का प्रयास होगा कि इस नारे को गांव-गांव में हर जगह ले जाएं और सभी को प्रेरित करें कि अपने जलवायु परिवर्तन को और एक अच्छा सुंदर विश्व। अगर पानी हम नहीं बचाएंगे, आप पानी को संरक्षित नहीं करेंगे तो आने वाला समय में पीने के लिए भी पानी हम लोग के पास नहीं रहेगा। और ये ऐसा चीज़ है कि जब तक इसमें पूरे बिहार की जनता अपना भागीदारी सुनिश्चित नहीं करती है तो ये जो सरकार का प्लान है ये कामयाब नहीं हो सकता है। तो लोग को जागरूक भी करना है, लोग को जिम्मेवारी का एहसास भी दिलाना है और पेड़ लगाने का मतलब जो है प्रोत्साहन करना है लोग में कि कम से कम लाइफ में 50-100 पेड़ जरूर आप लगाएं ताकि ये जो वातावरण जो है सुरक्षित रहे, बारिश भी टाइम पे हो, पर्यावरण जो है मेरा वातावरण शुभ सांस लेने के लिए पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिले, ये सब सारा अवेयरनेस जगाने के लिए कर। भैया दो शब्द। आज जल जीवन हरियाली और नशा मुक्ति के समर्थन में एवं बाल विवाह एवं दहेज प्रथा के विरोध में आज हमारा श्रृंखला का पूरे बिहार में निर्माण किया गया है। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के देश से लेकर के जिला से लेकर के बूथ तक के तमाम कार्यकर्ता इस मानव श्रृंखला में शामिल होकर इस मानव श्रृंखला के हिसाब मानव श्रृंखला बनाने में अपना योगदान दिए हैं। हमारे सांसद, हमारे मंत्री जितने हैं सब लोग इस मानव श्रृंखला में आज शामिल। जिले में कितनी उपस्थिति रही आपकी? हमारे जिले के तमाम कार्यकर्ता जितने भी पदाधिकारी से लेकर के कार्यकर्ता तक हैं बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता इसमें सम्मिलित हैं और हम लोग इसके मार्फत से जन जागरण करके ये संदेश पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग को जल जीवन हरियाली को बनाए रखना है, नशा मुक्ति, दहेज प्रथा और बाल विवाह से समाज को बचाना है और समाज को मजबूत एवं सबल बनाना है। भारत माता की जय। गौरियम IVF विनर ऑफ इंडिया बेस्ट IVF क्लिनिक अवार्ड। गौरियम IVF जिसने हजारों महिलाओं के मां बनने के सपने को किया साकार। अगर आप भी संतान सुख से वंचित हैं, तो अब चिंता बिल्कुल ना करें क्योंकि यहां दूसरे IVF सेंटर्स के फेल्ड केसेस और मल्टीपल साइकिल फेलियर केसेस का सक्सेस रेट न सिर्फ भारत में बल्कि विदेशों में भी सबसे ज्यादा है। निराश ना हो क्योंकि साइंस और टेक्नोलॉजी अब इतनी एडवांस्ड है कि ज़्यादातर लोगों के बच्चे इलाज से हो सकते हैं। वो एक सही IVF सेंटर को चुन करके वहाँ जाएं। सही सेंटर वो है जहाँ लीडर जो है हाईली क्वालिफाइड हो और सारी टेक्नोलॉजी उपलब्ध हो। ना या अपने किसी जानकार के जीवन का सूनापन दूर करना चाहते हैं तो आज ही आइए गौरियम IVF।